फ्रेंड्स, माय नेम इज कमलदीप सिंह निज्जर और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड वेलकम टू दिस चैनल। सो आज हम टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज पार्ट टू है हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम पे ऊपर। और आज की थ्योरम का नाम भी डिवीजन एल्गोरिथम है, दैट इज स्टेट एंड प्रूफ डिवीजन एल्गोरिथम। तो करते हैं इसको स्टार्ट आपके एक प्यारी सी स्माइल के साथ। सो ये थ्योरम क्या है, फॉर एनी गिवन इंटीजर्स ए एंड बी वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो, आप किसी भी ए को नॉट इक्वल टू जीरो कर लेते हैं, तो हमें प्रूव करना होता है दैट देयर एग्जिस्ट हमारे पास यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट वी कैन राइट b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस r, वेयर r की जो वैल्यू हमारे पास वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बट ऑलवेज लेस देन इन द टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a, a की एब्सोल्यूट वैल्यू से वो हमेशा छोटी होगी। तो एक बार फिर से देखते हैं कि आपके पास फॉर एनी टू नंबर a एंड b वेयर a नॉट इक्वल टू जीरो देयर एग्जिस्ट, वहां पर वो कहते हैं ऑलवेज देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर दैट इज q एंड r सच दैट वी कैन राइट वन नंबर b इज इक्वल टू a इनटू q प्लस r, वेयर r जो हमारे पास है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू दिस। तो हमें यहां पर क्या कहा जा सकता है, तो इसको समझने के लिए कि सिंपल मैं आपको यहां पर समझाना चाहता हूं कि यदि हम टू नंबर ले लेते, कोई भी दो नंबर पिक कर लेते, लाइक आप लेट कर लो कि बी आपके पास 21 है और ए को हमने 5 पिक कर लिया, यहां पर ए नॉट इक्वल टू जीरो मैंने मेंशन कर दिया कि ये हमारा क्या है नॉट इक्वल टू जीरो। अब डिवीजन एल्गोरिथम, तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। जैसे मैंने 21 को 5 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, दैट इज 4 क्वोशेंट एंड रिमाइंडर कितना आ गया 1। मीन जहां पर हम इसको लिख सकते हैं दैट इज 21 इज इक्वल टू 5 इनटू 4 प्लस 1, दैट इज ध्यान से देखना कि हमारे पास 21 क्या है b है और हमारा 5 क्या है a और जो हमारा क्वोशेंट है दैट इज q प्लस यहां पर रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास r बच चुका, दैट इज फॉर एनी टू नंबर b एंड q वी कैन राइट और वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स दैट इज q एंड r जो कि यूनिक है। आप 21 को 5 से करेंगे तो आपके पास और भी यही आंसर आएगा, कोई और आंसर नहीं आएगा बिकॉज इट इज अ यूनिक वन। So we can find here q and r. और ध्यान से देखिए यहाँ पर जो remainder आपका आ रहा है वो क्या है बेटा, वो greater than zero है, जो जहाँ तो greater than zero और equal to zero होगा, but वो कभी भी 5 के equal नहीं होगा, तो वो always less than 5 होगा हमारे पास, तो जहाँ पर भी हमने find कर लिया। तो ये simple सा fund है, जी हमारे पास numerical हमें आता हो, तो आज हम इसको theorem में करने वाले हैं। तो इसके basic step पर तो आप इसको note करते हैं, तो हमारे पास काफी केस बनेंगे, मैं एक या दो तीन को केस कैसे बनते हैं वो मैं आपको समझाता रहूंगा साथ साथ में। तो फर्स्ट हम केस करने वाले हैं व्हेन हमारा जो b इज इक्वल टू जीरो है, तो जहां पर कंडीशन क्या है कि आपका a नॉट इक्वल टू जीरो है, ए आपने एक नंबर जिसके आपने डिवाइड करना बेटा वो नॉन जीरो होना चाहिए, जिसको डिवाइड करना वो जीरो भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बी को जीरो मानकर चलते हैं, लेट कर लेते हैं बी हमारे पास जीरो। तो मैं अनदर एग्जांपल ली हुई है कि मान लो बी हमारे पास जीरो है और ए इज इक्वल टू 5, जब हम जीरो को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें क्वेश्चन क्या लेना पड़ेगा जीरो, तो हमारे पास रिमाइंडर भी जीरो आ गया। इन दैट केस बी कैन राइट दिस जीरो इज इक्वल टू 5 इनटू जीरो प्लस रिमाइंडर जीरो, दैट इज हमारा जीरो क्या है बी है, जे हमारा क्या है ए है, और जहां पर जीरो क्वेश्चन क्यू है और जहां पर रिमाइंडर कितना आ रहा है। सो जब आपका बी जीरो होगा इन दैट केस बी कैन राइट इन दिस एक्सप्रेशन, तो हमारा जो पार्ट वो प्रूव हो जाएगा। फर्स्ट बार हमें हर एक दो नंबर के लिए इसको प्रूव करना है वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट केस हम लेट कर लेते हैं व्हेन हमारा बी जीरो है, देन टेकिंग क्यू को हम यदि जीरो ले लेते हैं और आर को हम जीरो ले लेते हैं, सो बी कैन राइट जीरो इज इक्वल टू ए इंटू क्यू सॉरी जीरो इज इक्वल टू ए इंटू जीरो प्लस जीरो, हम इसको लिख सकते हैं। तो आपके पास सेम वो एग्जांपल आप वहां से समझ सकते हैं, ठीक है कि मीन इफ b इज इक्वल टू 0 के लिए और a अदर देन 0 के लिए हमारे पास दो नंबर जहां पर अवेलेबल है, सो वी कैन राइट दिस b दैट इज व्हिच इज 0 इज इक्वल टू a इनटू 0 प्लस 0, फिर आपका जो रिमाइंडर 0 आ रहा है वो इक्वल टू 0 है और इक्वल टू 0 साथ में वो a के एब्सोल्यूट वैल्यू से छोटा होगा, आप उसको वहां से हमने समझ लिया। तो इन दैट केस हमने इसको सिंपल चेंज कर देते हैं, 0 हमारा क्या था b था, a तो a है, यहां पर 0 हमारा क्या है दैट इज q और 0 इज इक्वल टू r, सो दैट वी कैन राइट इफ b इज इक्वल टू 0 एंड a अदर then you know we can write the, we can find q and r such that b is equal to aq plus r, so hence prove this the case, first case हमने prove कर दिया when आपका b 0 लेकिन a आपका not equal to 0 तो हम q and r find कर सकते हैं। यहां पर statement में भी हमें यही बताना होगा कि आप दो नंबर को फाइंड कर सकते हैं इंटीजर को, तो ये केस हो जाएगा। अब सेकंड केस क्या कि आपका पहले तो अपने बी को हमने जीरो मान लिया, सेकंड केस होता कि बी इज नॉट इक्वल टू जीरो तो तब तो हम कर सकते हैं। सो सेकंड केस हम करेंगे केस नंबर 1 जिसको हम मेनली कहकर चलते हैं कि व्हेन बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब जहां पर क्वेश्चन फिर राइज होता है कि आपका बी तो नॉट इक्वल जीरो लेकिन ए के ऊपर कंडीशन क्या है, ए नॉट इज इक्वल टू जीरो है, ए जीरो नहीं होगा लेकिन ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो केस नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे कि हम जब बी को नॉट इक्वल जीरो करते हैं साथ में ए को भी हम पॉजिटिव ले लेते हैं। अब आपका बेटा ए क्या है पॉजिटिव, अब ध्यान से देखना ये लाइन थोड़ी सी कंफ्यूज आपको कर सकती है लेकिन इसको हमने खत्म कर देना कंफ्यूजन को अभी। तो आपने ए को पॉजिटिव ले लिया
ठीक है बेटा, a इज ग्रेटर देन 0, और कंसीडर कीजिए आप a के ऊपर एक इनफाइनाइट सीक्वेंस कंसीडर कर लेते हैं हम, वैसे ही a के साथ में a के मल्टीपल ले लीजिए इनफाइनाइट बोथ साइड के ऊपर। मान लीजिए आपके पास यदि a क्या है 2 है, देन आप 2 4 6 8 और 2 से नीचे 0 माइनस 2 माइनस 4 एक सीक्वेंस कंसीडर कर लेते हैं हम, कंसीडर इनफाइनाइट सीक्वेंस और मल्टीपल ऑफ इट, दैट इज एज हम चलते हैं माइनस 2a माइनस 0 a 2 एक सीक्वेंस ले लेते हैं। ऐसा क्यों किया है हमने, ऐसा क्यों किया, बिकॉज हमने b को सिलेक्ट करना कि b कहां पर हो सकता है। अब ध्यान से देखना यहां पर कि देन क्लियरली यदि हमारे पास हमने एक सीक्वेंस ली है a के मल्टीपल की, देन क्लियरली आइदर जहां पर आइदर वर्ड यूज कर रहे हैं b इज इक्वल टू वन ऑफ द मल्टीपल ऑफ a, जाओ तो आपका b देखिए जहां पर ध्यान से देखिए दोनों के दोनों इंटीजर है, b भी इंटीजर है और a भी हमारा इंटीजर है, और यहां पर जो हमने a की सीक्वेंस वो माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी तक पिक कर चुकी है और वो सारे के सारे इंटीजर है। अब b आपका इंटीजर जाओ तो वो इसके इक्वल होगा, मीन जे सारे के सारे क्या है इवन है, जाओ तो आपका b क्या हुआ यदि इवन हुआ वो इनमें से ही कोई एक होगा, लेकिन यदि b ऑड हुआ तो वो दो किसी दो इवन के बीच में होगा, मीन हम उसको ही डिस्कस करने वाले हैं। देन क्लियरली b इज इक्वल टू वन ऑफ द मल्टीपल ऑफ a हो सकता है, मान लो वो किसी a इंटू q के इक्वल भी हो सकता है, यदि वो a के इक्वल है तो ठीक है, अदरवाइज दूसरा केस क्या हो सकता है, दैट इज b लाइज बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ a एंड q, तो जहां पर वो किसी दो मल्टीपल के बीच लाइज कर सकता है, दैट इज aq एंड aq प्लस 1 के बीच वो लाइज कर सकता है, मान लो यदि वो ऑड है तो वो दो इवन नंबर के बीच लाइज कर सकता है। यहां पर मैं समझाने की कोशिश की आपको, मान लीजिए आपने take is equal to, यदि a हमारा 2 है तो हम यहां पर सीक्वेंस कौन से लेंगे 2 4 6 7 8 यहां पर हम ले सकते हैं, ठीक है, और साथ में b को हमने 7 पिक कर लिया। अब देखिए यहां पर b जो है आपका वो 7 है, ऑड नंबर, इस कारण वो a के किसी भी मल्टीपल के इक्वल तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन वो दो मल्टीपल के बीच आ रहा है, कैसे, बीच जो हमारा 7 है उसको हम लिख सकते हैं 6 और 8 के बीच, ये जो 6 है ये भी हमारा एक मल्टीपल है 2 का, मींस ये 3 into 2 है, और जो हमारे पे ऐसे हमने लिखा था a into q, नेक्स्ट क्या होगा a into q plus 1, तो जहां पर जो 6 है वो है 2 into 3 और जो हमारा 8 है वो है 2 into 3 plus 1 that is 4, that is 2 into 4 हम उसको लिख सकते हैं। तो सेम हमारे पास यहां से आइडिया हो जाएगा कि यदि हमारा a पॉजिटिव नंबर है और b हम अदर देन 0 ले रहे हैं, इन दैट केस हमारा जो b होगा वो जहां तो आपका a का एक मल्टीपल हो सकता है, जहां फिर वो a के दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच होगा। अभी आप इसको जहां पर पॉज कर सकते हो, लिख लीजिए, इसको आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, तो होप सो आपको जहां तक समझ में आ गया होगा। तो हर एक पॉइंट को मैं क्लियर करना चाहता हूं जहां पर, सो टाइम जरूर लग गया लेकिन आपके माइंड में जी चीज बैठ जाएगी, तो आप इसको नोट कर लो। हमने क्या सेट किया कि हमारे पास जो b की वैल्यू वो aq एंड aq plus 1 के बीच लाई कर देते हैं, तो सिर्फ बी गेट जो हमारा b है बेटा वो क्या, उसको हम कंबाइन लिख सकते हैं कि और आइदर दोनों के केस को, कि हमारा जो b जा तो वो aq के इक्वल हो सकता, अदरवाइज वो aq से ग्रेटर और a into q plus के बीच लाई कर सकता, जहां पर हमने इक्वालिटी का साइन इसीलिए लिया है, जा तो वो aq के इक्वल होगा अदरवाइज उससे ग्रेटर और उसकी नेक्स्ट टर्म से वो लेस होगा, मीन लाई बिटवीन देम। तो जहां से ध्यान रखो आपने कैसे करना, तो सिंपल अभी आपने ब्रैकेट को ओपन कर देना, aq plus a आ चुका, अभी आप aq से माइनस कर दे थ्रू आउट, तो हमारे पास जहां पर क्या आएगा 0 less than equal to b minus aq less than, जहां से कटिंग होकर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा a आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने b minus aq को आपने पुट कर लेना है r, सो टेक r is equal to b minus aq, तो अब हमारे पास क्या बच जाएगा 0 less than equal to r less than a, वेयर हमारे पास, और साथ में जहां पर एक चीज नोट कीजिए कि आपके पास 0 less than equal to r less than a, और हमने जहां पर प्रूफ क्या करना है कि हमारे पास less than mod of a के इक्वल होना चाहिए, तो अभी आपके पास less than a है, और साथ में जो हम केस करें वो कौन सा करें कि here in this case we have a is greater than 0, यदि आपका a greater than 0 होता है positive number का mod itself होता है, so mean जहां पर हम क्या लिख सकते हैं a को replace कर सकते हैं absolute value of a के साथ, पॉजिटिव वैल्यू का मॉड इटसेल्फ होता है, इसी का हम यहां पर रिप्लेस कर दिया, बिकॉज हम इस फॉर्म को भी यहां पर मेंटेन करना चाहते हैं। तो therefore 0 less than equal to r less than mod of a, और जहां से ध्यान से देखिए r is equal to b minus aq है, तो जहां से b की वैल्यू कितनी आएगी, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, b is equal to aq plus r, तो अब हमने टोटल क्या गेट कर लिया, b is equal to aq plus r, और साथ में इसको हमने लिख देकर मांगे and r is greater than equal to 0 and less than absolute value of a, तो केस 1 में हमने ये चीज प्रूव कर चुकी, पहले हमने किया था जब आपका b 0 था, a not equal to 0 था, तब हमने प्रूव किया था, और केस 1 में हमने किया जब आपका b not is equal to 0 and a is greater than 0, in that case we can find q and r, तो हम यहां पर दो नंबर फाइंड कर सकते हैं such that b is equal to aq plus r, और वहां जहां पर हमारे पास r की वैल्यू इसके बीच लाई करती, तो आप इसको ध्यान से करना। अभी केस एक और बन सकता है यहां पर कि आपका a not equal to 0 था, अब a greater than 0, अब जो हम करने वाले हैं a is negative number भी तो हो ही सकता है हमारे पास, so less than 0 के लिए कैसे करना, वो काफी इजी है,
केस नंबर टू, इफ वी नॉट इक्वल टू जीरो एंड साथ में ए आपका नेगेटिव है लेस देन जीरो। अभी जहां पर ध्यान से देखना कि आपका ए नेगेटिव जीरो है, लेकिन यदि आप उसका मॉडल डाल लेंगे वो आंसर कितना आएगा पॉजिटिव। जहां से ध्यान पर देखना कि आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे मेरे को मालूम है कि माइनस टू का मॉड क्या होता है, वो आंसर इसकी आंसर की बात करेंगे। माइनस टू की मॉड कितनी होती है, टू, टू इज ग्रेटर देन जीरो। जहां पर ए तो नेगेटिव है लेकिन उसकी यदि एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे वो पॉजिटिव होगी। अब हमने इस पॉजिटिव के ऊपर ही काम करना, अब आप इसको भूल जाए और एक बार ध्यान से देखिए कि हमारा बी नॉट इक्वल टू जीरो और ये एक नंबर है जो ग्रेटर देन जीरो है। जो हमने फर्स्ट केस में किया था बी नॉट इक्वल टू जीरो और नंबर ए ग्रेटर देन जीरो, तो उसके ऊपर हमने प्रूफ कर दिया। तो सेम जहां पर हमने वही लॉजिक यूज करना, तो हम क्या करेंगे, तो therefore by case number 1 we can find 2 and results q dash and r such that b can be written as this number। तो जहां पर भी हमने जो नंबर आपका a greater than 0 था उसको into q plus r लिख सकते हैं। तो जहां पर भी सेम लिखेंगे b is equal to, अब a की नंबर हमारे पास क्या है, दैट इज मॉड ऑफ ए, तो बिकॉज ए ग्रेटर देन जीरो है तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू, हम फाइंड कर सकते हैं क्यू डैश प्लस आर, सच दैट आर की वैल्यू आपकी लाई करेगी जीरो और मॉड ऑफ ए। जहां पर मॉड ए क्यों बेटा, बिकॉज जहां पर था आपके पास जीरो और ए के बीच लाइज करेंगी, क्योंकि ए आपका पॉजिटिव और जहां पर आपका मॉड ए पॉजिटिव है तो उसके बीच लाई करेगी, जहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट कहां पर आता है, यहां पर टर्म कहां पर आएगी, आपका जो मॉड है, जैसे आप इसका मॉड हटाएंगे तो आपको मालूम होगा कि नेगेटिव नंबर का मॉड जो होता है वो इज इक्वल टू माइनस ऑफ नंबर होता है। अभी आपको ये याद होगा तो मैं यहां पर आपको बता देना चाहता हूं कि आपके पास यदि x ग्रेटर देन 0 होता है देन मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x होता है, और यदि x लेस देन 0 देन मॉड ऑफ x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x होता है। मान लीजिए आपके पास -2 लेस देन 0 देन -2 का मॉड क्या होगा, माइनस इंटू माइनस ऑफ 2, दैट इज कटिंग करने के बाद आपके पास वो 2 आंसर आएगा। सो जहां पर वो वाला लॉजिकल जाना कि नंबर हमारा जो है ए वो नेगेटिव है लेस देन 0, सो इसका मॉड क्या आएगा, इसके नेगेटिव के इक्वल आएगा। So, इसका मॉड क्या आएगा, इसके नेगेटिव के इक्वल आएगा, तो जहां पर माइनस से हो जाएगा, और इस माइनस को आपने क्या करना है क्यू डैश के साथ लगा देना, सो ए इंटू क्यू डैश माइनस। अब माइनस क्यू डैश तो एक इंटीजर है तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी अनदर नंबर 9 के साथ। सो हमने यहां पर क्या कर सकते हैं, माइनस क्यू डैश को आप पुट कर दे सिंपल क्यू डैट इज बिलोंग्स टू इंटीजर, सो वी कैन राइट क्यू इज इक्वल टू ए क्यू, सॉरी वी कैन राइट बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, वेयर आर लाइज बिटवीन 0 एंड मॉड ऑफ ए एंड हेंस क्यू बिलोंग्स टू जेड एंड हेंस प्रूफ। तो हमने इस केस में भी इसको प्रूफ कर दिया, काफी इजी था। तो इसके लिए आपने क्या किया, ए नेगेटिव था लेकिन उसके मॉड ए क्या पॉजिटिव है, मॉड ए पॉजिटिव है तो सारे का सारा हमने ऊपर से यूज कर लिया कि पॉजिटिव नंबर के लिए ये चीज प्रूव कर सकते हैं। तो वो आपका जहां पर आ गया डेड, जस्ट इसको ओपन करने के बाद माइनस होगा उसको एडजस्ट कर लेते हैं तो हमारा ये पार्ट हो जाएगा, तो केस नंबर 2 भी हो गया। अभी हमने जहां पर क्या प्रूव कर दिया कि हमने जहां पर एग्जिस्टेंस पार्ट प्रूव कर चुके हैं कि हमारे पास ऐसे दो नंबर एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो यूनिक हो गए, अब हम इनको यूनिकनेस प्रूव करने वाले। तो आप इसको पॉज कीजिए और अपनी कॉपी पर सुंदर से लिख दीजिए। लास्ट ऑफ पार्ट है जो इसका, दैट इज टू प्रूव द यूनिकनेस ऑफ क्यू एंड आर, उसको प्रूव करने के लिए हम कैसे करते हैं, बाय कॉन्ट्राडिक्शन दैट इज पॉसिबल, लेट कर लेते हैं क्यू एंड आर नॉट यूनिक, दैट इज वी कैन राइट बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, वेयर आर की वैल्यू जो बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन ए के है हमारे पास। और सेकंड हमारे पास एक और हम मान लेते हैं, हमारे पास q1 और r1 है, सो दैट वी कैन राइट b = aq1 + r1 वेयर दिस r1 अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन a, कि इन दो नंबर के लिए हमारे पास ऐसे दो सेट बन जाते हैं qr का और एक q1 qr का, सो दैट वी कैन राइट दिस b एंड इन दिस रिलेशन हम इसको लिख पा रहे हैं। तो ये इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन के साथ प्रूव करते हैं। अभी ध्यान से देखना, जहां पर आपके पास यदि j भी b है v, मीन आपकी जो लेफ्ट साइड सेम है तो आपकी राइट साइड भी सेम आएगी, दैट इज aq प्लस आर इज इक्वल टू ए क्यू प्लस वन प्लस आर वन आ गए। अभी आर को एक साइड कर लो और ए क्यू को एक साइड कर लेते हैं, सो आर माइनस आर वन इज इक्वल टू ए क्यू वन माइनस ए क्यू हो जाएगा, जहां से आर वन माइनस आर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, आर माइनस आर वन इज इक्वल टू ए कॉमन निकालिए, जहां पर एक फैक्टर आ जाएगा। अभी क्यू वन माइनस क्यू जे दो इंटीजर की सब्ट्रैक्शन है, अगेन इंटीजर आएगा, सो नाम दे दिया इसको मैंने एल का। अभी ध्यान से देखना, जहां पर आर माइनस आर वन इज इक्वल टू ए इंटू एल, जहां पर ए अभी आपका जो ए है वो राइट को डिवाइड करेगा, विच इम्प्लाइज ए लेफ्ट को भी डिवाइड करेगा, विच इम्प्लाइज ए डिवाइड आर माइनस आर वन। अभी ये जो पॉइंट है ना, जहां पर ये ही पॉइंट है जो हमारा को कॉन्ट्राडिक्शन लगाता है, दैट इज विच इज फॉल्स, ये कभी भी हो नहीं सकता। रीजन क्या है कि आपके पास जो आर है बेटा वो भी ए से छोटा है, आर वन भी ए से छोटा है, तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन भी ए से छोटी होगी। अभी कोई नंबर अपने आप से जो छोटा नंबर उसको डिवाइड कभी नहीं कर पाता, लाइक आपके पास मान लो कि 2 है, 2 1 को डिवाइड नहीं करेगा, 5 है, 5 3 को कभी भी डिवाइड नहीं करेगा। मैंने यहां पर समझाने की कोशिश की, आर यदि 2 है आपका, 1 को 5 मान लीजिए, 2 लेस देन 5, और आर 1 को मान लीजिए 3, वो भी 5 से छोटा है।
अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे, आंसर आपका माइनस वन भी आ सकता है और वन भी आ सकता है, आप किससे किसको माइनस करते हैं, तो आंसर आ गया फाइव और ए सॉरी वन आ चुका है आपके पास और ए कितना है फाइव। अब फाइव कभी भी वन को डिवाइड नहीं करेगा, तो जहां पर हमारे लेकिन जहां पर हमारे पास क्या है कि फाइव डिवाइड कर रहा है माइनस वन और वन को डिवाइड कर रहा है, दैट इज फाइव डिवाइड आर माइनस आर वन, जो कि बिल्कुल गलत है। तो जहां पर यदि गलत है तो हमारी जो सपोजिशन वो गलत कैसे हुआ कि हमने कुछ गलत सोचा था। तो अगर सपोजिशन इज रॉन्ग हेंस रिजल्ट इज द ट्रू वन दैट इज क्यू एंड आर द यूनिक वन विच रिप्रेजेंट दिस एक्सप्रेशन दैट इज फॉर एनी ए एंड बी एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो वी कैन फाइंड two integers q and r such that we can write b is equal to aq plus r and where r is lies between greater than equal to 0 less than absolute value of a। so इससे साथ ये theorem की यहाँ पर समाप्ति होती है। तो आपको यदि अच्छा लगे तो please नीचे आप like कर सकते हो, comment box में comment कर सकते हो और आप अपनी Facebook के page पर इस video को जरूर share कर देना, तो वही आपके एक फीडबैक होगी आपकी ओर से मेरे लिए। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, प्लीज जहां पर इसको नोट जरूर कर लेना अपनी नोटबुक और यहां पर हर एक पॉइंट को आप देखने के लिए एक बार देखेंगे तो जरूर टफ लगेगी। आप इस वीडियो को दो बार देख सकते हैं, दो की आप इसको तीन बार भी देख सकते हैं, तब आपका जब पूरे का पूरा क्लियर हो जाएगा और जैसे आप तीसरी बार देखेंगे ये आपके माइंड में बैठ जाएगी और कभी भी भूलेगी नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बने रहिए और अपडेट के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।